सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स होट 30i डिवाइस के अंदर आप जो है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कैसे करेंगे। अगर आपको भी ऑटोमेटिक किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना है तो बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं। एक छोटी सी सेटिंग को ऑन करना है और अपने फोन के अंदर ऑटोमेटिक किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड कर पाएंगे। चलो गाइस डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे ऑटोमेटिक कॉल को रिकॉर्ड करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। सो गाइस फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम सेटिंग को ओपन करेंगे। आप भी अपने फोन के सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए एंड इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहां पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा सिम एंड मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स का। इसको आप प्रेस करेंगे, यहां पर इस तरह से अगेन आपको ऑप्शन आ जाएगा। वापस स्क्रॉल करके आएंगे, कॉल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर एक सेटिंग्स बना होगा कॉल सेटिंग, एसएमएस सेटिंग, दोनों साथ में। लेकिन अगर आपने बाय डिफॉल्ट कोई और डायलर यूज करो तो ये सेटिंग्स नहीं मिलेगी, इसलिए आप उस बाय डिफॉल्ट डायलर को डिलीट कर देना तो आपको ये प्रॉपर सेटिंग्स मिल जाएगी। यहाँ पर कॉल सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आएंगे तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग हमारा ऑलरेडी इनेबल्ड है, जो आप देख सकते हो ये है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। अगर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना है तो इसको जस्ट ऑफ रहेगा, ऑन कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी डायल करके देख सकते हो। मैं यहाँ पर एक कॉल डायल कर देता हूँ एंड ये ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। देख सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा स्टॉप कर दिया हमने। तो बहुत ही आसान है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करना। एंड गाइस जिस तरीके से अपने फोन के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं और किसी की भी कॉल को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं।